कोशिश करूंगा। 5-7 साल पहले मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिखने की मैंने कोशिश की थी, मुझे लगा अच्छी स्क्रिप्ट थी, लेकिन उसमें खामियां थी, क्योंकि हमें सीखना चाहिए स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में। तो मैं न्यूयॉर्क गया, वहाँ पे एक प्ले राइट को मिला, स्क्रीन राइटर है वो, और उन्होंने एक फिल्म लिखी थी, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग अंडर हिम। और वो तो खैर दो तीन साल के बाद ऑस्कर जीत लिए फॉर हिज वर्क, लेकिन मुझे सिखाते गए और शेयर करते गए, जितना भी नॉलेज था उन्होंने शेयर किया मेरे साथ। और मैंने सोचा कि ये नॉलेज सिर्फ मैं मेरे स्क्रिप्ट के अंदर डालूं और मैं मेरे स्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल करूं तो ये गलत होगा। तो मैंने दो चार ऐसे हमारे फ्रेंड्स यंग राइटर्स थे जो मैं मेंटर करता था, तो दो चार को मैंने कहा कि चलो आई हेल्प यू ऑल। फिर ये पैंडेमिक निकला, फिर जूम जैसी कोई चीज़ निकली। जूम क्या चीज़ है? तो चार जो थे बोले दूसरे दिन हमारे फ्रेंड्स को भी लेके आए। मैं बोला बेशक लेके आइए, और दूसरे दिन 20 पहुंच गए, 20 के 50 हो गए, 50 के 100 हो गए, 100 के अब 400 है। एंड वी हैव थ्रू द पैंडेमिक, ये दो साल का एनिवर्सरी है थ्रू द पैंडेमिक। उस वक्त बहुत टेंशन थी, बहुत लोगों को क्या करेंगे क्या होगा, सबको बेचैनी थी, हमें मालूम नहीं था क्या कल क्या होगा। लेकिन उस वक्त बहुत काम आया कि लोगों का मन ऑक्यूपाई हुआ था, साथ साथ कुछ सीखे, दोस्ती हो गई कितने लोगों के साथ, और उसके बाद मेन चीज़ वी बिकेम बेटर राइटर्स। एंड आज 2 साल हुए और 500 सेशन ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, 492 सेशंस वी हैव कम्प्लीटेड ऑफ स्पाइरल बाउंड। मैंने स्क्रिप्ट लिखी है और इस साल विल बी ऑन द फ्लोर। इट्स अ फादर सन रिलेशनशिप, उससे ज़्यादा मैं अभी बोलूँ तो मज़ा नहीं। मैं डायरेक्ट करूँगा। इट्स अ फादर सन फिल्म। मेरा जो को राइटर है ही इज़ दिस ऑस्कर विनिंग राइटर बर्डमैन, हम दोनों ने साथ में ये लिखी फिल्म और बहुत मेहनत की उस पर। मेरा ये मानना है कि अच्छी फिल्मों का मतलब ये होता है अच्छी एक्टिंग, अच्छी सिनेमाटोग्राफी, अच्छा डायरेक्शन, लेकिन ये कुछ भी नहीं होगा जब तक एक कमाल की स्क्रिप्ट बनी हो। तो वी हैव टू पे फर्स्ट लॉट्स ऑफ टाइम एंड अटेंशन टू द स्क्रिप्ट, और वही हमारी कोशिश है विद ऑल दीज यंग स्क्रिप्ट राइटर्स। मेरा बेटा डायरेक्ट कर रहा है, ही हैज डन वन ऑफ द स्टोरीज ऑफ अजीब दास्तान, इज वर्किंग ऑन हिज नेक्स्ट स्क्रिप्ट, इंशाल्लाह उनका भी जल्द से जल्द हो जाएगा। करना ही चाहिए ना, वो अभी पता नहीं। शायद पापा का रोल मैं ही करूँगा, अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ, कास्टिंग ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, होते ही मैं आपको सबको बता दूंगा। हाँ वैसे तो हम बैंक रॉबरी के बारे में भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं, यही तो खुशी है, किसी कोई भी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज़ अ रिलेशनशिप दैट पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड वेरी वेल, और इट इज़ अ वेरी यूनिवर्सल सब्जेक्ट। हर बाप और बेटे के बीच में एक बहुत अजीब रिलेशनशिप होता है, बचपन में बहुत कमाल का होता है, फिर टीनेज ईयर्स में बच्चा जब बड़ा होता है तो थोड़ी अनबन होती है, और फिर बाद में जब बच्चा अपने आप को एक मर्द समझता है तब वो रिलेशनशिप कमाल की हो जाती है। तो वो जर्नी की ये कहानी है। कोई एज लॉन्ग एज सिनेमा बन रही है ना, और मैं तो बोलता हूँ थिएटर में भी लोग देखने जाएंगे। आप देखो अभी जो फिल्म रिलीज हुई आर आर आर, अमेजिंग, इट्स गॉट लुक एट पुष्पा, लुक एट द वे पीपल आर रिएक्टिंग। तो थिएटर के बनी पिक्चर और ओटीटी वाली पिक्चर में एक थोड़ा अंतर होगा, बस यही है, फिल्म्स बनेगी, डायरेक्शन होगा, एक्टिंग होगा, एंटरटेनमेंट होगा, वो तो ऐसे सिनेमा इस सिनेमा कोई रेस नहीं है, ये ओलंपिक का रेस नहीं है, ठीक है। तो बीट करने से कुछ नहीं होता, अच्छी फिल्म एंटरटेनिंग फिल्म आवाम को जो एंटरटेन करे और कुछ मेक देम फील समथिंग फॉर योर कैरेक्टर्स, ऐसी फिल्म बनाओ। थैंक यू, कम इनसाइड। एंड वन मोर थिंग, प्लीज स्टे।
communication and then stay for drinks and dinner. Everybody, please, sir, please, Janani. Thank you. Thank you so much. Chalo try karunga. They will ask only about your hero. But I am coming for that. Aata hu main. Haan ji namaskar dost. Kal to Baman ji ko mubarakbad. Baman ji ne कोरोना वायरस के लॉकडाउन में बहुत कमाल का काम किया है. स्क्रीन प्ले की इतनी क्लासेस ली हैं, ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, उसके लिए मैं उनका मतलब उनकी तारीफ़ करता हूं, उनका शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने इतने सारे स्क्रीन प्ले राइटर्स बनाए हैं, राइटर्स इकट्ठा किए हैं. एंड आज मैं उनको मुबारकबाद देने आया हूँ. मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर. जी, बहुत कश्मीर फाइल्स की सफलता जो है वो हर छोटे शहर से आए हुए बड़ा सपना देखने वाले लोगों की सफलता है. जो उसका थीम है वो तो खैर है ही कि कश्मीर में जो 32 साल हुआ उसकी त्रासदी छुपा के रखी और कैसे एक फिल्म ने एक आंदोलन से एक मूवमेंट खड़ी कर दी. बट ऑन ए पर्सनल लेवल मैं बहुत छोटे से शहर में एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा और आज मेरी फिल्म 250 करोड़ के लगभग कर रही है. तो सपने नहीं कभी छोड़ने चाहिए. ये सब उन तमाम लोगों के लिए है जो इस शहर में आते हैं कुछ भी बनने, एक्टर बनने, बिजनेसमैन बनने, पत्रकार बनने, कुछ भी बनने. तो उनको हौसला नहीं आना चाहिए क्योंकि कुछ पता नहीं लगता है कहाँ से किस्मत का पिटारा खुलता है. बस सिर्फ मेहनत करना और ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है. मेरी सोच तो बहुत दूर तक है. मेरी सोच में ऐसा नहीं है. बट यस, वी नेवर थॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी नेवर थॉट दैट इट विल डू सच एन अमेजिंग बिजनेस. बस इसको प्यार मिला है. दैट्स वाई जहाँ भी एक दो बैनर मैंने देखे हैं, इट्स कॉल्ड ऑडियंस इज ब्लॉकबस्टर. इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं थी, इसका कोई किसी शो पे नहीं जाना हुआ. धीरे धीरे मगर पहले दिन से, दूसरे दिन से, तीसरे दिन से, दैट मीन्स और ऑडियंस को इसने भेजा है. ऑडियंस अब थिएटर में गई हैं, मतलब आफ्टर कोरोना वायरस, आफ्टर दिस पेंडेमिक, आफ्टर दिस लॉकडाउन, ऑडियंस इतनी तादाद में जा रही है और पसंद कर रही है. इस फिल्म में ना कोई गाने हैं, ना कोई लोकेशंस कमाल की हैं, ना कुछ कॉमेडी ट्रैक है, ना कुछ रोमांस है. ये तो एक बहुत ही आंसुओं पर आधारित है, तकलीफ पर आधारित है, मगर इसने एक जो कनेक्ट ऑडियंस के साथ बनाया है, दैट इज़ अनबिलीवेबल. और जो मुझे रिएक्शन, आज सुबह मैं घर से निकला तो एक आदमी गाड़ी से उतर कर मेरे को बोला कि मैं आपके गले लगना चाहता हूँ, और गले लगा और फिर इतना रोया वो मुझे कि मेरी भी आँख भर आई. सो इट इज़ समवेयर कनेक्टेड विद पीपल. मुझे हमेशा लगता है कि पेन कनेक्ट्स पीपल. तो ऐसा उनके लिए ये सजेशन है कि वो अपना सच दिखा दें, वो फिल्म बना लें ना. क्योंकि जब आदमी फिल्म बनाता है, जब शेक्सपियर प्ले लिखता है किंग लियर के बारे में या किसी चीज़ के, कोई भी राइटर कुछ भी लिखता है, कोई भी फिल्म लिखता है, चार पाँच फिल्में बनी कश्मीर के ऊपर, वेदर कोई भी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, पर उनमें से किसी भी फिल्म ने कश्मीरी पंडित का वर्क तो नहीं दिखाया था, उनकी कहानी तो नहीं दिखाई. तो किसी ने नहीं कहा कि आप एक टेररिस्ट को ग्लैमराइज करके क्यों एक फिल्म बना रहे हो, क्यों आप जो 5 लाख कश्मीरी हिंदू निकाल दिए गए उनके बारे में एक भी शब्द नहीं है. चाहे कोई भी फिल्म है, चाहे वो जो भी फिल्म है आप ले लीजिए, कहीं किसी का जिक्र नहीं. तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू सॉर्ट ऑफ पुट फेथ इन गुड सिनेमा एंड द ट्रूथ दैट हैज़ कम आउट ऑफ इट. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड. नहीं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, बहुत लोगों ने नहीं किया, मगर कोई बात नहीं. जिन्होंने किया उनका नाम बता रहा हूँ, बाकी ने सब नहीं किया. तो अच्छा लगा मुझे, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं एनडी स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था, वहाँ पर वो नहीं था, नेटवर्क नहीं था, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट कर रहा हूँ. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी प्लीज्ड विद दैट. आई थिंक इस सक्सेस को सबको अपनाना चाहिए. ये समय ये छोटा महसूस नहीं करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी किस, बिकॉज ये सिनेमा की सक्सेस है.
ये थिएटर की सक्सेस है, ये ऑडियंस की सक्सेस है, ये उन तमाम लोगों की सक्सेस है जिनको नौकरी बरकरार रही है, ये वो जो उधर सामान बेचते हैं उनकी है, जो पार्किंग लॉट वाले हैं उनकी है, जो मॉल में जाते हैं उनकी सक्सेस है। तो ये तो सबको जुबिलियन होना चाहिए, सबको खुश होना चाहिए। बट ठीक है, कभी कभी खामोश रह के भी लोग अपनी खुशी जाहिर करते हैं, अपने अपने घरों में कर रहे होंगे, क्योंकि अब जो दिख रहा है उसको तो नहीं आँख बंद कर सकते ना, वो तो सच है। तो जी, ये इवेंट जो है किसियानी बिल्ली खंबा नोचे जी, हम सब जब अपने मोहल्ले में होते थे, जो लड़का फर्स्ट आता था हम कहते थे अरे यार ये बहुत पढ़ता है इसलिए फर्स्ट आता है, ऐसा भी क्या पढ़ाकू है, खेल कूद में अच्छा नहीं है, बाकी चीज़ों में अच्छा नहीं है, तो वो सब होता रहना चलना चाहिए। अभी फिलहाल में बमन ईरानी ने मुझे जाते समय बोला कि तुमसे यहाँ पर सिर्फ कश्मीर फाइल्स के सवाल होंगे, बट ये अच्छा नहीं होगा।